अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है एस्ट्रा फ्री के अंदर और एस्ट्रा प्रो के अंदर। तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या फ़र्क है एस्ट्रा प्रो और एस्ट्रा फ्री के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैं अगर टाइप करूँ एस्ट्रा थीम, और यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है WP Astra, इसको मैं ओपन करूं तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम प्राइसिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड के अंदर मिलती हैं, प्रो के अंदर मिलती हैं, और उनकी क्या क्या प्राइजेज हैं, और फ्री के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये है एक जो है प्राइजिंग प्लान है इनके। तो यहाँ पे देखें एस्ट्रा प्रो है, इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे हेडर को आप स्टिकी कर सकते हैं, ठीक है, लेआउट्स और ब्लॉग्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वूकॉमर्स के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, प्रीमियम स्पोर्ट्स है, अनलिमिटेड वेबसाइट, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, ठीक है, एडवांस फूटर बिल्डर है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और आपको मिलेगा $47 पर ईयर के अंदर, राइट। इसके साथ साथ ही इसेंशियल बंडल है, इसके अंदर एस्ट्रा प्रो मिलेगा और प्रीमियम साइट्स 180 स्टार्टर टेम्पलेट्स मिलेंगी, मतलब वन क्लिक के जरिए आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ ही यहाँ पे हमारे पास है ग्रोथ बंडल, और ये इसके अंदर आपको और काफ़ी सारे प्लगइन्स भी मिलेंगे, जैसे स्पेक्ट्रा प्रो, अल्टीमेट एडोन्स, एलिमेंटर प्रो, अल्टीमेट एडोन्स फॉर बिहेवियर बिल्डर्स, स्कीमा प्रो प्लगइन भी आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट प्रो प्लगइन्स भी आपको मिल जाएगा। आपको बेसिकली इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया नहीं है इनके बारे में कि ये किस किस लिए यूज़ होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनकी तरफ अभी ना जाएं, राइट। तो इस कोर्स के कम्प्लीट दो हिस्से होने वाले हैं, एक के अंदर मैं फ्री चीज़ें कवर करूँगा और फिर दूसरे हिस्से के अंदर प्रो वाली इन सारी चीज़ों को भी कवर करूँगा, राइट। तो ये थीम है। इसके अलावा अगर आप इसके लाइफ टाइम डील्स लेने चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइफ टाइम डील है $937 की, जो कि लाइफ टाइम आपको पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है, लेकिन ये वाला बंडल है मेरे पास जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, तो कहीं मिल जाएगा उस पूरे कोर्स को कम्प्लीट एंड तक देखना आप लोगों ने, राइट। तो ये कुछ प्राइजिंग्स थी और इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, माइट भी आपको समझ नहीं आई होगी कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब हम आगे काम करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रो में मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, या आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, राइट। इसके अलावा जो मेन फीचर है वो है हमारे पास यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स। अगर मैं यहाँ से बैक पे आऊँ और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स देखूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 240 रेडीमेड वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे आपने वन क्लिक करना और आपकी पूरी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी, और बस आपने उसके अंदर कंटेंट और इमेजेस वगैरह चेंज करने हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा किस तरह से वो आपने चेंज करनी है, राइट। तो इसको ज़रा लोड होने दें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो हैं ई कॉमर्स के और बिजनेस वेबसाइट के और काफ़ी सारी अलहदा वेबसाइट्स के, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे डिज़ाइन। उसके अलावा जहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है आपको फ्री में ये वाले डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको प्रीमियम या प्रो वर्जन चाहिए होगा, ठीक है, प्रीमियम साइट्स वाला लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि एजेंसी लाइसेंस है जो हम इस पूरे कोर्स के अंदर गिव अवे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे रेडीमेड डिज़ाइन रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ पे देखें जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हैं, और अगर मैं इसको आपको डिफरेंट डिवाइसेस पे दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट और फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आपने जस्ट वन क्लिक के जरिए ये पूरी जो डिज़ाइन है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वो चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, राइट, जो कि आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि फ्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं और प्रो के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ऑब्वियसली बात है कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगी, और कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनके लिए आपको एक्सटेंडेड या प्रीमियम लाइसेंस चाहिए होगा, और मैं इसको कोर्स के अंदर दोनों को ही कवर करूँगा, राइट। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन से आगे प्रोसेस लेके चलूँगा, किस तरह से इंस्टॉल करना है फ्री, किस तरह से उसके बाद इसको कस्टमाइज़ करना है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सेटिंग्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स को किस तरह एक्सेस करके इम्पोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।